Welcome to all of you on the V plus U ACAD. My name is Ashish Garg. In the previous class, we have seen the domestic, industrial, and the commercial and institutional water demand. So these three lectures I have already been done. Now we will see, today we will see about the demand for public use, that is demand for public uses. Let's start with that. Today we'll see demand for public use. Basically, public use के लिए क्या, जैसे आपके parks हैं, parks जैसे हैं आपके पास, उसके लिए demand कितनी होगी, water requirement कितनी होगी. जब आप supply design करेंगे तो आप consider करेंगे कि इसके लिए, parks के लिए, gardening के लिए कितना फर्दर आपको वाटर में एडिशन करना है टू सप्लाई एनी सिटी. तो ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, पार्क्स गार्डनिंग वॉशिंग एंड स्प्रिंकलिंग ऑन रोड्स. आपको पता है इंडिया में हम स्प्रिंकलिंग तो बहुत ही कम जगह देखते हैं. वी डू नॉट सी मच स्प्रिंकलिंग ऑन रोड्स आपको जो यूजुअली नहीं देखने को मिलता है. सो हम जब वाटर सप्लाई डिज़ाइन करते हैं, इट शुड ऑल्सो नॉट बी टेकन इन देयर ऑल्सो. सो इस केस में क्या करते हैं, वी हैव ओनली इंक्रीज 5%. 5% आर्बिट्रेरली आप इंक्रीज कर देते हो वाटर डिमांड में. जैसे आपकी मान लेते हैं 100 लीटर कंजम्पशन थी ओवरऑल, 100 लीटर पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन थी, तो आप इसका 5% इंक्रीज कर दोगे टू कंसिडर वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज़. 5% इंक्रीज कर दोगे आप इसका, तो ये कितना हो जाएगा आपका 105, कितना हो जाएगा 105 लीटर पर कैपिटा पर डे. तो दिस इज़ हाउ डिमांड फॉर पब्लिक यूज़ इज़ बीन टेकन, और दिस कैन बी टेकन बाय टेकिंग अ 10 लीटर पर कैपिटा पर डे. आप फर्दर यदि आप पब्लिक यूज़ के लिए कंसिडर करना चाहते हो इन पर्पज़ के लिए, तो आप 10 लीटर पर कैपिटा पर डे आप यूज़ कर सकते हो. Thanks for watching this video. In the next class, we will see the fire demand. Thanks for watching this video and have a nice day.